पुराने जमाने में मतलब इश्क मोहब्बत और ये सारी चीज़ें साइकिल पे शुरू होती थी आई थिंक, क्योंकि लड़कियां साइकिल पे जाती थी तो, और नैना की साइकिल थोड़ा पुरानी है आई थिंक, तो बार बार साइकिल की चेन खराब होती है। अगर आपने हमारा प्रोमो देखा है नया तो लास्ट का शॉट भी वही है, नैना की चेन उतरती है नैना की साइकिल की और मैं आता हूँ उसको हेल्प करने के लिए। तो ये सीन भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, पर अभी मेरा आने का मकसद दूसरा है। तब मैं हेल्प करने आ रहा था, अब अभी मनाने आ रहा है मैं, क्योंकि मैं रूठी हुई हूँ और मेरी साइकिल की चेन अपने आप नहीं उतरती है, वो ऐसी जानबूझ के नैना ने ली है जिसे समीर उसकी हेल्प करे। मेरा टेंशन मिले उसको, उसकी बार बार खराब हो चेन तो उसकी साइकिल की चेन और मैं उसके पास बार बार जाऊँ और वो ठीक करूँ। साइकिल वाला तो नहीं बट फिर भी नहीं हो, समीर बहुत अच्छा है दिल से तो हेल्प कर देता है। समीर हर एपिसोड में गिर रहा है, अपने ध्यान से देखा है तो, फर्स्ट प्रोमो में भी गिरा था, गिर ही रहा है यार वो, एंट्री शॉट में भी गिरा था, मैं स्केट करके आता हूँ कार के ऊपर गिरता हूँ, तो मैं समीर गिर ही रहा है यार शुरू से। लेकिन समीर गिरा हुआ नहीं है, लेकिन समीर गिरा हुआ नहीं है ठीक। वो आप आई थिंक जब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि वो मकसद क्या है। यही है, नैना गुस्सा है समीर से। हाँ नैना गुस्सा है और मैं उसको मना रहा हूँ, पर उसके पीछे राज क्या है और रीजन क्या है वो हमें भी नहीं पता, वो आपको भी देखना पड़ेगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखना, हम भी देखेंगे साथ में मिल बांट के। मुझे साइकिल चलाने नहीं आती थी, मैंने इस शो के लिए साइकिल चलाना सीखा था, तो अभी तक मैं आई एम नॉट प्रो साइकिल चलाने में, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, तो अगर वो स्लो चलानी होती है या फिर कुछ ऐसा करना होता है एक्सपर्टीज जो होती है साइकिल की, तो मैं अभी भी घबरा जाती हूँ। बट आई विल टेल यू एक बात, साइकिल चलाना तो चलो आ गया उसको, पर ऐसे जो शॉट्स होते हैं ना जब हमें पता होता है कि हमें किस स्पीड पे चला के और कहाँ रोकनी है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मेंटेन करना है कि ये कब रुकेगी और फिर मैं कब आऊँगा, तो वो सब थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है जो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों अच्छा भी कर रहे हैं, वो तो वो डिफिकल्ट होता है। साइकिल आती है उसको बट वो स्पीड में मेंटेन करना वो थोड़ा डिसबैलेंस होता ही है, वो कोई भी करेगा तो होगा। कैमरा फॉलो करना, कैमरा देखना, मार्क पे रुकना, मेंटेन फ्रेमिंग देखनी है, मार्क देखना, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एक एक्टर ही शायद समझ सकता है।